स्वागत है आप सभी का लेटेस्ट रिएक्शन मिक्स के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम नेशनल जियोग्राफिक का वीडियो देखने जा रहे हैं और वीडियो का टाइटल है द फ्लोटिंग स्कूल ऑफ इंडिया। तो शुरू करते हैं आज का मिक्स रिएक्शन। क्या सीन है? लोकटक लेक में सुबह का समय है। एक छात्रा अपने एलिमेंट्री स्कूल तक कश्ती से आई है। ये स्कूल भारत के किसी भी स्कूल से अलग है क्योंकि ये तैरता है। ये देश का पहला ऐसा स्कूल है। लोकटक को ऊपर से देखने पर पता चलता है कि इसके पानी की सतह पर वनस्पति के टुकड़े तैर रहे हैं। ये नेचुरल है या फिर बनाया है? कुछ गोल हैं, कुछ दूसरों के आकार बेढंगे हैं और उन पर स्कूल जैसे ढांचे टिके हुए हैं। इन द्वीपों को फुमदी कहते हैं। माइटे लोग इन पर कई सौ सालों से रह रहे हैं। ये फुमदीज जमी हुई मिट्टी, वनस्पति और अलग अलग अवस्थाओं तक सड़े हुए ऑर्गेनिक मैटर से बनते हैं। इन फुमदीज पर ये अपने घर बनाते हैं जिन्हें कहते हैं फुमसैक्स। लोकटक लेक पर माइटे ने मछली पकड़ने का एक नया तरीका ढूंढा है। ये फुमदीज को रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स में काटते हैं और उन्हें गोलाई में जोड़ देते हैं जिन्हें अथपम्स कहते हैं। एक बार अथपम के बन जाने के बाद उसके अंदर जाल लगा दिया जाता है। माइटे के लिए आमदनी का सबसे बड़ा जरिया है मछली पालन। यहां पर मछुआरे हर साल 30 लाख किलो मछली पकड़कर अपना गुजारा करते हैं। लोकटक लेक उत्तर पूर्व भारत में ताजे पानी का सबसे बड़ा स्रोत है। ये 247 वर्ग किलोमीटर में फैला है पर यह औसतन सिर्फ 2.7 मीटर गहरा है। सबसे बड़ा द्वीप 40 वर्ग किलोमीटर में फैला है और इसी पर है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। दुनिया का अकेला तैरता हुआ नेशनल पार्क। आज लोकटक लेक और इसके आसपास का इलाका किसी भी वक्त यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित हो सकता है। स्कूल की छुट्टी हो चुकी है। ये छात्रा कश्ती में सवार होकर वापस जा रही है। इस दौरान ये इस अनोखे इकोसिस्टम के बीच से गुजरेगी जिसे ये अपना घर कहती है। क्या आई बात है तारक साहब, आज क्या दिखा दिया यार? इंडिया इंडिया जो देखते हो वो उसमें बहुत सारी चीजें, जो मतलब कि हमारा मीडिया दिखाता है वो इंडिया नहीं है। ये ईरान इंडिया में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि भाई बंदा देखे तो हैरत गुम हो जाते हैं। भाई ऐसा भी होता है, ऐसे लोग रहते हैं। ऐसी चीजें, ऐसी जगह है जहाँ पर रहना तो वहाँ पर मुश्किल ही है। इतनी मतलब बड़ी कम्युनिटी तो नहीं चलते। देखो खेती बाड़ी तो वो करते नहीं है,
सही बात, जो इलाका है फ्री भाई वो मछलियां पकड़ते हैं। क्या बात है यार, यार छोटी वीडियो थी लेकिन क्या चीज दिखा दी। ये देखें, ये इसमें ये है कि भाई उन्होंने फिर भी जो ना सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने अपनी जो स्टडी है ना वो भाई अपना कंटिन्यू रखी हुई है, क्योंकि एक लोकेशन इतनी प्यारी भाई, ऐसा खूबसूरत स्कूल है कि एक नजारे हैं भाई अपना देख लें कि अंदर जा कर ये चीजें हैं, बहुत यार प्यारी जगह, बहुत ही प्यारी जगह यार। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, बहुत ही छोटी सी क्लिप थी, शायद पूरी डॉक्यूमेंट्री में से ये क्लिप निकाली होगी, लेकिन व्यू वहां पे तो क्या जबरदस्त था, और सब पानी के ऊपर तैर रहा था, और पहले तो वो सर्कल्स बने हुए थे, मैं सोच रहा था कि ये नेचुरल है या आर्टिफिशियल है, लेकिन फिर बाद में वीडियो में बताया कि ये वो फिशिंग के लिए बनाते हैं ताकि उसमें केयर कर फिशिंग कर सके। तो बहुत ही वीडियो देखकर मजा आया, आपके क्या विचार है वो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए।